Today's topic is what is init keyword in Python, what do you mean by underscore underscore init underscore underscore dot py file, and what do you mean by init method in Python. To know everything about these topics, watch the video till the end. Well, सबसे पहले मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ कि init keyword को हम Python में दो फॉर्म में यूज कर सकते हैं. पहली फॉर्म होती है फाइल की और दूसरी फॉर्म होती है मेथड की. अगर मैं फाइल की बात करूं तो फाइल को डिफाइन करने के लिए underscore underscore init underscore underscore dot py file लिखना पड़ता है, और मेथड को डिफाइन करने के लिए underscore underscore init और underscore underscore उसके बाद ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है. इन दोनों तरीके से हम init keyword का यूज कर सकते हैं. अब बात करते हैं फाइल के रूप में, यानी कि underscore underscore init underscore underscore dot py file क्या होती है, किस तरह से यूज किया जाता है. Well, तो सबसे पहले init फाइल के बारे में बात करते हैं. तो init फाइल एक empty फाइल हो सकती है. इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप इसको empty भी रखोगे तब भी सब काम हो जाते हैं. इसको सिर्फ और सिर्फ initialization के purpose के लिए यूज किया जाता है, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी को एक पैकेज कंसिडर करने के लिए. मान लो कि आपने एक फोल्डर बनाकर रख दिया है जिसमें आपने बहुत ही ज्यादा पाइथन की फाइल्स रख ली. उन सब फाइल्स को मॉड्यूल का नाम दिया जाता है. अगर आपने अभी तक मॉड्यूल और पैकेज वाली वीडियो नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट यू कि पहले वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा. अभी अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो कि एक फोल्डर के अंदर आपने बहुत ज्यादा पाइथन की फाइल्स रख ली, उन मॉड्यूल्स को एक्सेस करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर फोल्डर को एक पैकेज कंसिडर करवाना पड़ेगा. उसको पैकेज कंसिडर करवाने के लिए आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पीवाई फाइल वहां पर बनानी पड़ेगी. वो एम्प्टी भी हो सकती है और उसके अंदर आप कुछ भी चीजें लिख सकते हो जिनको आप इनिशियलाइज करना चाहते हो, यानी कि जब भी कभी उस पैकेज में कॉल जाए तो सबसे पहले इनिट फाइल ही कॉल हो. इनिट फाइल बनाने से पाइथन इंटरप्रेटर को पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर फोल्डर एक पाइथन पैकेज है, और अगर आपने ये इनिट फाइल उस पर्टिकुलर फोल्डर में नहीं रखी होगी तो आप उसका कोई भी मॉड्यूल एक्सेस नहीं कर पाओगे. तो इसीलिए किसी भी मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए आपको उस पैकेज में या फिर उस डायरेक्टरी में इनिट फाइल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो यही पर्पस होता है एक प्रॉपर इनिट फाइल का. अब बात करते हैं इनिट फंक्शन के बारे में. तो इनिट फंक्शन भी एक कंस्ट्रक्टर की तरह ही यूज किया जाता है. जैसे आप C++ या फिर जावा में कोई कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट करते हो, उसी तरह से init जो फंक्शन होता है वो पाइथन में एज ए कंस्ट्रक्टर की तरह यूज किया जाता है, जिसको एक क्लास में डिफाइन किया जाता है. मान लो कि आपने क्लास डिफाइन कर दी और उसके बाद आप उसका कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो. जब भी आप उसका कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसका अलग से इंस्टेंस बनाने के लिए आपको init कीवर्ड का यूज करना पड़ता है. अब मान लो कि मैं इसी की अगर एग्जांपल देना चाहता हूं तो किस तरह से दे सकता हूं. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने एक क्लास डिफाइन की पर्सन के नाम से, उसमें मैंने एक इनिट फंक्शन को डिफाइन किया जो कि एक पैरामीटर ले रहा है नेम के नाम से. अब उसको मैंने असाइन कर दिया सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम. सेल्फ क्या होता है, वेल उसके बारे में मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा सेल्फ वाले टॉपिक में. अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं. उसके बाद मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूं def लिख के से हाय, और उसके बाद मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट में लिख देता हूं हेलो माय नेम इज, और उसके बाद सेल्फ डॉट नेम. ये सेल्फ डॉट नेम वही है जो कि हमने इनिट फाइल में डिफाइन किया था. तो अगर मुझे इसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो तो मैं किस तरह से बना सकता हूं. जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है p इज इक्वल टू पर्सन, देन उसके बाद कोई भी नाम दे दिया. इट मींस कि जब भी मैं इस क्लास को कॉल करूंगा तो सबसे पहले जो मैंने पैरामीटर यहां पे पास किया था वो इनिट फंक्शन में जाएगा. सेल्फ के बाद जो मैंने नेम डिफाइन किया था वहां पर नितिन आ जाएगा. तो इसी तरह से सेल्फ डॉट नेम की वैल्यू नितिन हो जाएगी. उसके बाद जो मैंने दूसरे फंक्शन को कॉल किया p डॉट से हाय, यानी कि उसके फंक्शन को मैंने उस ऑब्जेक्ट जो भी मैंने डिफाइन किया था p के नाम से, उसके मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और उसमें मैं वही चीज प्रिंट करवा दूंगा हेलो माय नेम इज, और उसके बाद जो भी मैंने सेल्फ डॉट नेम की वैल्यू लिखी थी यानी कि नितिन, वो प्रिंट हो जाएगा. तो आई होप कि आपको ये सारी की सारी एग्जांपल समझ में आ गई होंगी. अब जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया था नितिन के नाम से, उसी तरह से मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकता हूँ. जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि जैसे कि मैंने पर्सन दो पे प्रांशु लिख दिया, पर्सन थ्री पे उत्कर्ष लिख दिया, तो इसी तरह से मैं उन सबके से हाय को कॉल करूंगा तो मुझे इन दी एंड हेलो माई नेम इज नितिन, हेलो माई नेम इज प्रांशु, और हेलो माई नेम इज उत्कर्ष देखने को मिल जाएगा. तो आई होप कि ये प्रॉपर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया हो. अब बात करते हैं इसी कंसेप्ट के बेसिस पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में. So the first question is why do we use underscore underscore init underscore underscore dot py file in Python? तो उसके लिए आप ये सारा का सारा आंसर उनको उस दौरान बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर फंक्शन इन पाइथन, इलैबोरेट विद एन एग्जांपल. तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रॉपरली क्या चीज होती है, और उसके बाद आपको इसकी एक एग्जांपल भी देनी पड़ेगी. तो आप ये सब चीजें उनको उस दौरान बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इनिट कीवर्ड इन पाइथन. तो इसमें आपको दोनों ही चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है. तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि इस टॉपिक के बेसिस पे पूछे जाते हैं. आई होप कि आपको ये टॉपिक और इससे जुड़े क्वेश्चंस प्रॉपरली क्लियर हो गए हो. इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. धन्यवाद.